परमेश्वर के तीन भाग हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और ये तीनों एक हैं, सच्चा और जीवित परमेश्वर। सब तीनों अलग अलग हैं, फिर भी ये तीनों एक हैं। स्वर्ग में एक खूबसूरत स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था, जिसका ऊंचा पद परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करना था। फिर एक दिन घमंड का पाप उसके हृदय में आ गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह बनना चाहता था। लूसीफर ने अपने पागलपन में बहुत सारे स्वर्गदूतों को स्वर्ग पर कब्जा जमाने के लिए अपने साथ मिलने के लिए उकसाया। लेकिन लूसीफर के पास एक बड़ी समस्या थी। वो तो केवल एक सृष्टि किया हुआ प्राणी था। परमेश्वर ने लूसीफर और सारे विद्रोही स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल फेंका। ये गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्टात्माएं बन गए और लूसीफर शैतान बन गया। वो सब पृथ्वी ग्रह के सभी ओर बस गए, जो शैतान का प्रक्षेत्र बन गई। पृथ्वी एक अद्भुत नाटक का केंद्र बिंदु बन गई। अब मुख्य खिलाड़ियों में से एक को आगे लाने का समय आ गया था। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में, और उन्हें समस्त पृथ्वी पर प्रभुत्व दे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वयं की प्रतिमा में बनाया। परमेश्वर की प्रतिमा में उसने उसे बनाया, नर और नारी उसने उन्हें बनाया। और प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी की धूल से मनुष्य की रचना की और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। आदम सिद्ध था और सर्वदा जीने के लिए बनाया गया था। लेकिन शैतान बहुत क्रोधित था। उसके क्षेत्र में एक नई सृष्टि ने धावा किया था जिसका नाम था मनुष्य। आदम खूबसूरत अदन के बगीचे में रहता था और उसने परमेश्वर पुत्र के द्वारा सृजे हुए सभी पशुओं को नाम दिए। आदम परमेश्वर के साथ मेल में चला और प्रभु ने उसे सभी जीवित प्राणियों पर शासन दिया। परंतु शैतान आदम से नफरत करता था और उसे मरा हुआ देखना चाहता था। और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा देते हुए कहा, बगीचे के हर वृक्ष का फल तू स्वतंत्रता से खा सकता है, परंतु अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से तू उससे नहीं खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा तू सचमुच मारा जाएगा। और प्रभु परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। इसलिए प्रभु ने आदम की पसलियों में से एक से हव्वा की रचना की। बगीचे में उनका जीवन सचमुच स्वर्ग था। जब हव्वा अकेली थी, शैतान उसके पास एक खूबसूरत सांप के रूप में आया। उसने हव्वा से झूठ बोला और उसे मना किए वृक्ष से खाने को लुभाया। हव्वा ने एक भयानक गलती की। उसने परमेश्वर की जगह शैतान की बात मान ली। आज्ञा भंग करते हुए दोनों आदम और हव्वा ने मना किए फल को खाकर परमेश्वर के सामने पाप किया। उन्होंने अपनी निर्दोषता खो दी। दोनों की आत्मिक तौर से मृत्यु हो गई और पाप उनके संतानों पर छूत की बीमारी की तरह गुजर गया। इस नतीजे से हम सब में से कोई भी पाप से रहित नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और अपनी उपस्थिति में उसकी अनुमति नहीं देगा। मृत्यु का शाप पूरी मनुष्य जाति और पृथ्वी पर आ गया। प्रभु ने पाप के कारण भूमि को कांटे और कांटेदार पौधे उगाने का शाप दिया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, उस धरती को जोतने के लिए जहां से उसे निकाला गया था। इसके नतीजे से शैतान ने इस विश्व प्रणाली पर नियंत्रण कर लिया
मनुष्य के पास अब पूरी पृथ्वी पर अधिकार नहीं रहा और वो अब अंधकार के राजकुमार का और उसकी पलटनों का गुलाम बन गया था। फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम में आदम द्वारा किए हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक उद्धारकर्ता को भेजने का वायदा किया। आदम और हव्वा के बहुत बच्चे हुए। उनके दो पुत्रों का नाम कैन और हाबिल था। कैन, जो कि पहला पुत्र था, दुष्ट क्रोध में आकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। मनुष्य जाति का अब नीचे की ओर गिराव आरंभ हो चुका था। जैसे अंधकार की सामर्थ्य पृथ्वी पर फैलने लगी, मनुष्य जाति और हिंसक हो गई। खत्म न होने वाले युद्ध और हत्या, बलात्कार और अति वेदना जैसे निर्दयी कार्य बढ़ते गए। प्रभु के अनुग्रह के बावजूद मनुष्यों के हृदय परमेश्वर के विरुद्ध होते गए। और क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं था, मनुष्य जाति अपने दुष्टता के सबसे निचले स्तर पर गिर गई। यहां तक कि अपने बच्चों को शैतान के लिए बलि चढ़ाने लगे। प्रभु से प्रेम करने वाले मनुष्य का मिलना बहुत कठिन था। लेकिन एक मनुष्य था, एक विश्वास का मनुष्य, जिसका नाम था अब्राहम। वो परमेश्वर का मित्र था। प्रभु ने अब्राहम को एक पुत्र से आशीषित किया जब उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी। वो एक चमत्कारी जन्म था। उस वंश से परमेश्वर के चुने हुए लोग आए, इज़राइल की संतान। जैसे समय बीता, इज़राइल की संतान मिस्रियों के गुलाम बन गए और उन्होंने कठोर दासत्व में 400 वर्षों तक कष्ट उठाया। परमेश्वर ने उनकी मदद के लिए पुकार सुनी। वो उनसे प्रेम करता था और चाहता था कि वो सब उसकी सेवा करें, इसलिए उसने उनको एक उद्धारक भेजा। उसका नाम था मूसा। उसने परमेश्वर का संदेश पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली मनुष्य, मिस्र के शासक सामर्थी फिरौन को दिया। मूसा प्रभु के लिए बोला और पुकारा, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को हार मानने पर मजबूर करने के लिए मिस्र के विरुद्ध विपत्तियां भेजी। परमेश्वर ने सारे पानी को लहू में बदल दिया। मछलियां मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्र के लोग क्रोध में पागल हो रहे थे। वो सब पूरे देश में पानी नहीं पी पा रहे थे। फिर भी फिरौन नहीं हिला। उसके बाद दूसरी विपत्तियां आई। मेंढकों ने जमीन ढक ली, उनके मवेशी मर गए और धूल जुओं में बदल गई। मिस्र के लोग भयभीत थे, फिर भी फिरौन का हृदय कठोर होता गया। फिर प्रभु ने मिस्र के लोगों को एक और विपत्ति भेजी, मनुष्य और पशु पर फोड़े। इसके बाद एक और तकलीफ आई, ओले आग में मिले हुए जो पूरे देश में गिरे और उनकी फसल को तबाह कर दिया। मिस्र देश बर्बादी में था। अंतिम महाविपत्ति सारे मिस्र देश के पहिलौठों को मार डालेगी। मूसा ने इज़राइल के संतान को चेतावनी दी कि उन्हें एक मेमने का लहू अपने दरवाजों की चौखटों पर परमेश्वर के अंतिम शाप से बचाव के रूप में लगाना चाहिए। परमेश्वर ने मिस्र का न्याय किया। आधी रात को वह विनाशक के साथ पहिलौठों को मारते हुए देश से गुजरा। लेकिन जब प्रभु ने चौखटों पर लहू देखा, उसने विनाशक को उस घर में प्रवेश करने नहीं दिया। वो वहां से होकर गुजरता था। उस रात हर मिस्र के घर में लाशें थी। पूरा देश क्रोध में पागल हो गया था। फिरौन का पुत्र भी मर चुका था। भोर से पहले
फिरौन ने मूसा को आज्ञा दी कि वो इसराइल की संतान को लेकर जाए और प्रभु की सेवा करे। तो परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे वो निकल पड़े। और उन 430 वर्षों के अंत में ठीक उसी दिन ऐसा हुआ कि प्रभु के सारे जन मिस्र देश से निकल आए। वो रात प्रभु के निमित्त मानने के योग्य है, उन्हें मिस्र देश से बाहर लाने के लिए। फिरौन ने उन्हें रोकने की एक अंतिम कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र खोल दिया और मूसा और इसराइल की संतान को भागने दिया। फिर प्रभु ने समुद्र फिरौन की सेना पर डालकर उनको तबाह कर दिया। प्रभु ने अपने महान सामर्थ्य लोगों को दिखाने के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को नियम दिए, 10 आज्ञाएं, उनको पाप से बचाने के लिए और उनका जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन इज़राइल के संतान ने बगावत की। बाहरी तौर पर वो परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन अपने हृदयों में नहीं। वो आश्चर्य कर्मों और मिस्र देश के छुटकारे को जल्द ही भूल गए। इस कारण परमेश्वर ने उन पर राज करने के लिए राजाओं को खड़ा किया, लेकिन राजाओं ने भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और उन्होंने अपनी मूर्तियों की सेवा की जो उनके लिए फंदा बन गई। हाँ, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटियों को दुष्टात्माओं को बलिदान चढ़ाया और निर्दोष लहू बहाया। अपने बेटे और बेटियों का लहू जिनको उन्होंने कनान की मूर्तियों को बलि चढ़ाया, और देश लहू से प्रदूषित हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजा कि वो अपने पापों के पश्चाताप करें और परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन उन्होंने बार बार बगावत की। लोग इन भविष्यवक्ताओं से नफरत करते थे और पश्चाताप करके परमेश्वर की सेवा करने के बजाय उन्होंने बिना किसी दया के इन परमेश्वर के जनों की हत्या की। बार बार इसराइल की संतान ने पाप किया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यह होने दिया कि वो बंदी बनकर गुलामी में कष्ट उठाए। आज हम सबको देखें, हम कोई भिन्न नहीं है। पूरा संसार झूठे लोगों, चोरों, हत्यारों और व्यभिचारियों से भरा है। हमें प्रतिशोध बहुत पसंद है। हम सब पाप के शाप की अधीनता में हैं। पवित्र शास्त्र ऐलान करता है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आइए देखते हैं कि एक पापी के मरने के बाद उसका क्या होता है। ये मनुष्य सोचता था कि इसके पास सब कुछ था। पवित्र शास्त्रों ने कहा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, लेकिन हम सब अशुद्ध वस्तु की तरह हैं और हमारी धार्मिकताएं मैले चिथड़ों के समान है और हम सब पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की तरह उड़ा दिया है। एक क्रोधित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक डरावनी बात है।
मृत्यु के बाद उसके प्राण को परमेश्वर के भयानक न्याय का इंतजार करने के लिए नरक में ले जाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के अनंत जीवन के प्रेम उपहार को अस्वीकार किया। समय आ रहा है, उसे परमेश्वर के न्याय का महान और भयानक दिन कहते हैं, जब सारे जो अपने पापों में मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए उपस्थित होना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन देखा और उस पर जो बैठा था, जिसके चेहरे से धरती और स्वर्ग भाग गए और उनके लिए कोई स्थान न मिला, और समुद्र ने जो मरे हुए उसमें थे दे दिए, और मृत्यु और नरक ने जो उनमें मरे हुए थे दे दिए, और मैंने मरे हुओं को छोटे और बड़े परमेश्वर के सामने खड़ा देखा, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन चीजों से हुआ जो उन पुस्तकों में लिखी थी उनके कामों के अनुसार। हर निकम्मा शब्द जो मनुष्य कहेंगे वो उसका न्याय के दिन लेखा देंगे। जब वो पूरा होगा, परमेश्वर एक स्वर्गदूत से जीवन की पुस्तक खोलकर देखने को कहेगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं। स्वर्गदूत देखेगा और कहेगा, वो नाम यहां नहीं है प्रभु। और परमेश्वर कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और इसके दूतों के लिए तैयार की गई है, और ये अनंत दंड में चले जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। बाइबल कहती है, और उनकी पीड़ा का धुआं हमेशा और हमेशा के लिए ऊपर उठता रहता है, और उन्हें ना दिन ना रात चैन नहीं रहता हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने महान प्रेम में एक मार्ग तैयार किया जिससे आप इस भयानक स्थान से बच सकते हैं। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि ये कि सभी पश्चाताप करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में रहें, और उसने आपके वहां जाने और नरक से बचने के लिए एक मार्ग बनाया है, और वो मार्ग वायदे के अनुसार आने वाले मुक्तिदाता के द्वारा है। यहूदियों ने उसकी उनके मसीहा के रूप में खोज की और सदियों तक प्रार्थना की कि वो आए और उनका उद्धार करें। लगभग मसीह के जन्म से 769 वर्ष पूर्व भविष्यवक्ता यशायाह ने इसराइल देश से कहा, इसलिए प्रभु तुम्हें खुद चिन्ह देगा, देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और नाम इम्मानुएल होगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। शैतान को भविष्यवाणी समझ में आई। उस समय से इसराइल की हर कुवारी पर ध्यान पूर्वक नजर रखी गई। वर्षों बाद मसीहा के जन्म से पहले इसराइल फिर एक बार एक विदेशी सत्ता के नीचे गुलामी में था। इस बार वो शक्तिशाली रोमी साम्राज्य था। रोम ने यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाई। यह अंधकार पूर्ण समय था जब परमेश्वर के उद्धार की महान योजना प्रारंभ हुई। जब जिब्राइल स्वर्ग में ऊंचे औहदे वाले स्वर्गदूतों में से एक ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया,
अंधकार की शक्तियां उत्तेजित हो गईं और समझ गईं कि परमेश्वर का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जिब्राइल नाजरत नगर में मरियम से मिलने आया, जो एक कुंवारी थी, उसे एक संदेश देने के लिए जो संसार को हमेशा के लिए बदल देगा। मरियम स्वर्गदूत के प्रकट होने पर चकित हो गई। उसने उससे कहा, देख, तू अपने गर्भ से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम रखेगी ईशु। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और मरियम ने कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने जिब्राइल पर विश्वास किया और कहा, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु स्वर्ग की महिमा छोड़ता है अपना उद्देश्य शुरू करने के लिए, गंतव्य नासरत। पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम पर छाया करता है और वो गर्भवती होती है। उसके शरीर में संसार का सृष्टिकर्ता एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो रहा है। देर बाद मरियम का उसकी बड़ी चचेरी बहन, जो 6 महीनों से गर्भवती थी, मिलने का मार्गदर्शन हुआ। जब इलीशिबा ने मरियम का अभिनंदन सुना, उसकी गर्भ में शिशु उछला और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इलीशिबा के बच्चे का जन्म होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इलीशिबा ने कहा, स्त्रियों में तू धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हो चुकी थी, परंतु अब वो बच्चे के साथ गर्भवती थी। और यहूदी कानून किसी भी कन्या जो विवाह से पहले गर्भवती हो जाए उसके लिए मृत्यु की मांग करता था। ये मरियम के लिए एक मुख्य समस्या थी। ऋषियों के पीछे शैतान चाहता था कि मरियम की पथराव से मृत्यु हो, ताकि बच्चे की हत्या हो जाए। परंतु यूसुफ मरियम से प्रेम करता था और नहीं चाहता था कि वो जनता में एक उदाहरण बने। वो उसकी सुरक्षा के लिए भयभीत था और विवाह को चुपचाप स्थगित कर देने की योजना बनाई। प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उसके लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर यूसुफ और मरियम का नासरत नगर में विवाह हुआ। शैतान ने रोम में ऑगस्टस कैसर को पूरे संसार पर कर लगाने के लिए उत्तेजित किया। शैतान ने ये बुरे के लिए किया, लेकिन ऐसा करने में उसने बाइबल की भविष्यवाणी पूर्ण करने में सहायता की। यूसुफ और मरियम को बैतलहम की यात्रा करने पर विवश किया, जहां बाइबल कहती है यीशु का जन्म होगा। बैतलहम यूसुफ का भी जन्म स्थान था और ये वो जगह थी जहां उसे कर निर्धारण के लिए नाम दर्ज करना था। मरियम अभी जन्म देने वाली थी। शैतान आशा कर रहा था कि उस लंबी यात्रा पर एक दुर्घटना होगी, लेकिन सब परमेश्वर के नियंत्रण में था और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे लपेटने वाले कपड़ों में लपेटा और उसे चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह न थी। उस रात गडरिये अपनी भेड़ों की पास के मैदान में रखवाली कर रहे थे। प्रभु का स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, डरो नहीं,
क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार लाया हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय झुंड का समूह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। ये अधीन तबेला वो जगह थी जहां ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता जन्मा था। बाइबल कहती है वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया था और संसार ने उसको नहीं जाना। बाइबल यीशु का इस प्रकार वर्णन करती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब चीजें उसके द्वारा बनाई गई और उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई जो उत्पन्न हुई। और जब बच्चे के खतना के 8 दिन पूरे हुए उसका नाम यीशु रखा गया, जो नाम उसके गर्भ में गर्भधारण से पहले स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। यहूदी कानून के अनुसार मरियम ने श्रद्धा पूर्वक 2 कबूतरों को पाप के बलिदान के लिए दिया। हालांकि परमेश्वर ने मरियम को इतने ऊंचे आदर के लिए चुना था, मरियम जानती थी कि वो एक पापी थी और समझती थी उसका बच्चा यीशु उसका उद्धारक होगा। मंदिर में शमौन नाम का एक आदरणीय मनुष्य था। बाइबल कहती है और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि वो प्रभु के मसीह को देखने से पहले मृत्यु को नहीं देखेगा। उसने बच्चे यीशु को अपने हाथों में लिया और कहा, मेरी आंखों ने तेरा उद्धार देख लिया है। प्रभु यीशु के जन्म पर एक तारा स्वर्ग में प्रकट हुआ और पूर्व से विद्वान उपहारों को उठाते हुए तारे के पीछे चले। वो 2 वर्ष की यात्रा होगी इससे पहले कि वो यरूशलेम पहुंचे। वो विद्वान राजा हेरोदेस के पास आए और उन्होंने पूछा, कहां है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है, क्योंकि हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। और जब हेरोदेस ने ये बातें सुनी वो व्याकुल हो उठा और पूरा यरूशलेम उसके साथ। और जब उसने लोगों के सारे मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एक साथ इकट्ठा किया, उसने उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, और उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैथलहम में। जब उन्होंने राजा की बात सुनी वो चले गए और देखो वो तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे गया। जब तक वो आया और खड़ा हुआ जहां पर वो जवान बच्चा था, और जब वो घर के भीतर आए उन्होंने नवाब बच्चे को मरियम उसकी मां के साथ देखा और गिरकर उसकी आराधना की। और जब उन्होंने अपने कोष खोले उन्होंने उसे उपहार भेंट किए, सोना, लोबान और गंधरस। और परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर कि वो हेरोदेस के पास न जाएं, वो अपने देश दूसरे रास्ते से लौट गए। और जब वो चले गए, देखो प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, उठ और छोटे बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं पर रहना, क्योंकि हेरोदेस जवान बालक को ढूंढेगा ताकि वो उसे मार सके। जब वो उठा उसने छोटे बालक और उसकी माता को रात में लिया और मिस्र में चला गया।
तब हेरोदेस, जब उसने देखा कि विद्वानों ने उसके साथ धोखा किया था, अत्यंत क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर बैतलहम और आसपास के स्थानों के सारे बच्चों को मरवा डाला जो 2 वर्ष या कम की आयु के थे। उस समय हिसाब से जो उसने विद्वानों से बड़े ध्यान से पूछताछ की थी, तब वो वचन पूरा हुआ जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था, जो इस प्रकार था। रामा में एक आवाज सुनाई देती, विलाप और रोने की और बड़े शोक की। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांत ना होगी क्योंकि वो नहीं है। हालांकि बेकसूरों की बड़ी मात्रा में हत्या हुई थी, परमेश्वर इनके कीमती छोटे प्राणों को स्वर्ग ले गया। राजा हेरोदेस के मरने के बाद परिवार नासरत में वापस चला गया और वो बालक बड़ा हुआ और आत्मा में बढ़ा, ज्ञान से भरपूर और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अब उसके माता पिता हर वर्ष फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे और जब वो 12 वर्ष का था, वो पर्व के रस्म के बाद यरूशलेम गए। फसह के पर्व के समय यीशु समझा कि एक दिन परमेश्वर का मेमना होकर संसार के पापों के लिए उसका बलिदान होगा। ये जिया हुआ सबसे महान जीवन था। पर्व के अंत में उसके परिवार के साथ घर जाने के बजाय यीशु प्रधान मंदिर में विद्वानों के साथ था, दोनों उनकी सुनते हुए और उनसे प्रश्न पूछते हुए। शैतान ने अपने शत्रु को देखा और उसके शब्दों को सुना। विद्वान उसकी समझ और उत्तरों से आश्चर्यचकित हो गए। जवान यीशु व्यवस्था के बारे में इतना कैसे जानता था? ये बड़ा आसान था। अपनी महिमा में 1500 वर्ष पहले उसने खुद सीनै पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दी थी। जब यूसुफ और उसकी मां ने यीशु को ढूंढ लिया, वो चकित हो गए और उसकी मां ने उससे कहा, पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? और उसने उनसे कहा, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता का कार्य करना है? और यीशु ज्ञान और कद में और परमेश्वर और मनुष्य के साथ अनुग्रह में बढ़ता गया। 18 वर्ष बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया कि क्या वो एक भविष्यवक्ता था? उसने उनको उत्तर दिया और कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच एक खड़ा है जिसे तुम जानते नहीं। वो है जो मेरे बाद आ रहा है और मुझसे पहले अधिमान्यता है, जिसके जूतों की बंद खोलने के मैं योग्य नहीं हूँ। अगले दिन यीशु, जो अब 30 वर्ष का था, यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे देखा, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को ले जाता है। और यीशु जब उसका बपतिस्मा हुआ, पानी से सीधा बाहर गया और देखो आकाश उसके लिए खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा का एक कबूतर के रूप में नीचे आते और उस पर उतरते देखा। और देखो आकाश से एक आवाज आई कहते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुरंत आत्मा से उसका जंगल में मार्गदर्शन हुआ और वो जंगली जानवरों के साथ था, शैतान द्वारा परीक्षा करता रहा और उसने 40 दिनों तक कुछ नहीं खाया। शैतान की सारी प्रभु से पाप करवाने की कोशिशों के बावजूद वो संपूर्ण रूप से असफल रहा, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसमें कोई पाप नहीं है। जब परीक्षा समाप्त हुई,
यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि ये लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करेगा और केवल उसकी ही सेवा करेगा। फिर शैतान ने उसे छोड़ दिया और देखो स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की। जैसे प्रभु ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की, उसने प्रचार किया, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु ने परमेश्वर के हृदय को ये कहकर प्रकट किया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो। उसकी शिक्षा ने लोगों को अचंभित किया और उन्होंने कहा, इस मनुष्य की तरह किसी मनुष्य ने बातें नहीं की। ज्यादातर धार्मिक अगुवे जो मंदिर का संचालन करते थे धनी पाखंडी थे, जिनमें कोई दया न थी और परमेश्वर की व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया था। वो सब जल्द ही प्रभु यीशु के शत्रु बन गए। परमेश्वर का मंदिर एक धन बनाने का स्थान बन चुका था, जहां गरीब और निर्दोषों के साथ धोखा किया जाता था। जब यीशु ने ये देखा, क्रोध में उसने एक कोड़ा बनाया और धार्मिक धोखेबाजों को मंदिर से बाहर भगा दिया, सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके मेज पलट दिए और कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु महान आश्चर्यकर्मी था। बाइबल कहती है, देखो वहां एक कोढ़ी आया और उसकी आराधना करते हुए कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने अपना हाथ आगे किया और उसे छुआ, कहते हुए, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत ही उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। प्रभु को उसके पीछे चलने वाली भूखी भीड़ पर तरस आया और अपनी आश्चर्यकर्म सामर्थ्य से उसने 5,000 पुरुषों और उनके परिवारों को केवल 2 मछलियां और 5 रोटी के टुकड़ों से खिलाया। और यीशु आगे गया और उसने एक बड़ी भीड़ को देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके रोगियों को चंगा किया। एक रात यीशु ने अपने चेलों को पानी पर चलकर आश्चर्यचकित किया। उसने उनसे कहा, ढाड़स बांधो, ये मैं हूं, डरो मत। सारी सृष्टि ने परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा मानी। यीशु ने ऐलान किया, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वो मरा हो, फिर भी वो जिएगा। अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन में वो लाजर की कब्र के पास आया, जो 4 दिनों से मरा हुआ था, और यीशु ऊंची आवाज में चीखा, लाजर निकला। और वो जो मर गया था, कफन से हाथ और पांव में बंधे हुए निकल आया। और ये समाचार सब जगह फैल गया कि यीशु मरे हुओं को भी जीवित कर सकता है। जब संध्या हुई, वो उसके पास बहुत लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने आत्माओं को अपने वचन से निकाला और उनके सारे रोगियों को चंगा किया। आम लोग यीशु की प्रशंसा करते थे। उसका सबसे बड़ा विरोध धार्मिक अगुओं से आया। उन्होंने उस पर दोष लगाया, कहते हुए, उसकी सामर्थ्य शैतान से आई है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम सब तुम्हारे पिता शैतान के हो और अपने पिता की लालसाओं को तुम पूरा करोगे। वो आदि से हत्यारा था और सत्य में कभी नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है, वो खुद का स्वभाव बोलता है, क्योंकि वो एक झूठा है और झूठ का पिता है। और क्योंकि मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते।
पर्दे के पीछे शैतान इसमें बहुत उलझा हुआ था। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इससे पहले कि शैतान किसी के विरुद्ध बढ़े, उसे पहले स्वर्ग के परमेश्वर पिता से अनुमति लेनी होती है। और इसलिए बाइबल की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को प्रभु यीशु पर आक्रमण करने की अनुमति दी। बाद में प्रभु के धार्मिक विरोधियों ने उसको फंसाने की कोशिश की ये पूछकर, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? लेकिन यीशु ने उनकी दुष्टता को समझा और कहा, तुम सब मुझे क्यों परखते हो कपटियों? मुझे वो दिनार दिखाओ। और वो उसके पास एक दिनार लाए और उसने उनसे कहा, ये छाप और नाम किसके हैं? उन्होंने उससे कहा, कैसर के। फिर उसने उनसे कहा, इसलिए जो चीजें कैसर की हैं वो कैसर को दो और परमेश्वर को जो चीजें परमेश्वर की हैं। जब उन्होंने ये शब्द सुने, उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़ा और अपने रास्ते चले गए। यीशु ने फरीसियों की असलियत खोल दी जब उसने कहा, तुम पर हाय शास्त्रियों और फरीसियों कपटियों, तुम सब चूना फेरी कब्र के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम सब नरक के दंड से कैसे बचोगे? यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दंड की आज्ञा दे, बल्कि ये कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। वो जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो पहले ही दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने भीड़ से कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन मृत्यु से जीवन में गुजर जाता है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु ने धार्मिक स्थापना में बड़े झटके दिए जब उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मनुष्य पिता के पास नहीं आता। उसके द्वारा पूरे विश्व को ऐलान किया कि वही स्वर्ग पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। उन शब्दों ने धार्मिक संसार को पलट दिया। वो यीशु से वो शब्द कहने के लिए नफरत करते थे और आज भी बहुत लोग उन शब्दों से नफरत करते हैं। मसीहा की सेवकाई समाप्त होने आ रही थी। भविष्यवक्ता दानियेल ने ठीक उसी दिन की भविष्यवाणी की थी जब मसीहा यरूशलेम में होशन्ना के शोर से प्रवेश करेगा। लेकिन यीशु जानता था कि एक सप्ताह के भीतर वो चिल्ला रहे होंगे, उसे सूली पर चढ़ाओ। शैतान अपने सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु का षड्यंत्र रचने के लिए धार्मिक अगुओं को उकसाने में व्यस्त था। आखिरकार वो यीशु मसीह था जिसने उसे और उसके दूतों को स्वर्ग से बाहर फेंका था। चेले अभी भी यीशु के यरूशलेम में जीत के प्रवेश से उत्तेजित थे, ये विश्वास में कि वो शीघ्र राजा बनेगा। लेकिन फसह भोज के समय यीशु ने समझाया कि वो अपना लहू बहाकर मरने वाला था। यीशु ने कुछ रोटी और दाखरस लिया, जो होने वाला था उसके चिन्ह के रूप में। उसने कुछ रोटी तोड़ी, जो उसकी देह को दर्शाती थी, जो सूली पर तोड़ी जाने वाली थी, ना हो गई। भोज के बाद शैतान ने अपनी चाल चल दी। उसने यहूदा इस्करियोती के नाम के चेले का प्रयोग किया
इसके शरीर में प्रवेश करके। उसके बाद जो हुआ उसने यहूदा को इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघातक बना दिया। यहूदा प्रभु को धोखा देने के लिए प्रधान याजकों के पास गया। यहूदा चांदी के 30 टुकड़ों के लिए धार्मिक भीड़ को बिक गया। फिर शैतान इस विश्वास में कि उसकी जीत का समय आ गया था, अंधेरे सामर्थों को यरूशलेम बुलाया यीशु संसार की ज्योति का नाश करने के लिए। उस रात यीशु अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बगीचे को गया और उनको छोड़ा ताकि वो अकेले प्रार्थना कर सके। बाइबल कहती है, और वेदना में होकर उसने और सत्यतापूर्वक प्रार्थना की और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा हो। यीशु जिसने कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह में कोई छल पाया गया, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेने वाला था। यीशु ने प्रार्थना की कहते हुए, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पर से गुजरने दे, तथापि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में धोखे से पकड़वाया जाता है। और तुरंत जब वो बोल ही रहा था, आया यहूदा 12 चेलों में से एक और उसके साथ प्रधान याजकों और शास्त्रों और पुरनियों की ओर से तलवारों और लाठियों के साथ एक बड़ी भीड़ थी। यहूदा ने उन्हें एक चिन्ह दिया कहते हुए, जिसे मैं चूम लूं वो वही है, उसे जल्द पकड़ लेना। यीशु ने उससे कहा, यहूदा तू मनुष्य के पुत्र को एक चुंबन से धोखा देता है? तब वो सब आए और हाथ उस पर रखे और उसे पकड़ लिया। और देखो उनमें से एक जो यीशु के साथ था अपना हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार निकाल दी और महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। लेकिन यीशु ने उसके कान को छुआ और उसे चंगा किया और उन सब से कहा कि अपनी तलवार को उसके म्यान में रख ले, क्योंकि सब जो तलवार चलाएंगे तलवार से नष्ट होंगे। यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि वो स्वर्ग में अपने पिता से प्रार्थना कर सकता था और वो उसे बचाने के लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक दे सकता था। वो 72,000 स्वर्गदूतों से भी अधिक होगा। लेकिन यीशु ने स्वर्गदूतों को उसके रक्षा नहीं करने दी, क्योंकि उसे पवित्र शास्त्र की पूर्ति के लिए सूली पर चढ़ाया जाना था और उसे गिरफ्तार किया गया। शैतान प्रसन्न हो उठा, उसका मुख्य शत्रु रक्षाहीन था और शैतान के प्रतिशोध का समय आ गया था। और जिन्होंने यीशु को पकड़ा उसे काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। अब प्रधान याजक, पुरनिये और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए झूठी गवाहियों की खोज में थे। उन्होंने यीशु से यह प्रश्न पूछा, क्या तू मसीहा है, परम धन्य का पुत्र? यीशु ने कहा, मैं हूं। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े कहते हुए, इसने परमेश्वर की निंदा की है, हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो अब तुम सब ने इसकी निंदा सुनी है, तुम सब क्या सोचते हो? उन्होंने जवाब दिया और कहा, वो मृत्यु योग्य दोषी है। तब उन्होंने उसके मुख पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने उसे अपने हाथों की हथेलियों से मारा और जब उन्होंने उसे बांध लिया था वो उसे ले गए और उसको पुंतियुस पिलातुस हाकिम को सौंप दिया। और जब उस पर प्रधान याजकों और पुरनियों द्वारा इल्जाम लगाया गया
उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना ने एक और भविष्यवाणी को पूरा किया। वो सताया गया और उसे पीड़ित किया गया, फिर भी इसने अपना मुंह न खोला। वो एक वध के मेमने की तरह लाया गया और जैसे एक भेड़ अपने कतरने वाले के सामने गूंगी रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? और उत्तर देते हुए उसने कहा, तू आप ही वो कह रहा है। आरोपों को सुनने के बाद पिलातुस राजनैतिक तौर पर फंस गया था। भय में उसने इसमें से निकलने का रास्ता सोचा और पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। यहूदी क्रोधित हो गए और स्थिति को लगभग एक दंगे में बदल दिया, पिलातुस पर दबाव डालते हुए। ये एक खास यहूदी पर्व का दिन था और पिलातुस जानता था कि इस समय एक कैदी को छोड़ना एक रस्म थी। पिलातुस चाहता था कि यीशु छूट जाए। और सिपाहियों ने लोगों के सामने बरब्बा नाम के एक हत्यारे को लाया। उन्हें उसमें और प्रभु यीशु के बीच चुनाव करना था। पिलातुस ने भीड़ से पूछा कि कौन छूटना चाहिए, मसीहा या बरब्बा? उसके आश्चर्य में वो सब एक साथ चिल्लाए, ये मनुष्य नहीं परंतु बरब्बा, बरब्बा। पिलातुस ने पूछा कि वो इस मनुष्य जिसे यहूदियों का राजा कहा जाता है उसके साथ क्या करे। भीड़ चिल्लाई, इसे सूली पर चढ़ाओ। पिलातुस ने यीशु में मृत्यु के लायक कुछ नहीं पाया। उसने सोचा कि यदि वो यीशु को कोड़े लगवाए, इससे भीड़ खुश होगी और वो उसे छोड़ सके। इसलिए यीशु सिपाहियों द्वारा कोड़े लगवाने के लिए ले जाया गया, परंतु यीशु स्थिति के पूर्ण नियंत्रण में था। सूली पर चढ़ाए जाने का हर कदम स्वर्ग में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा पृथ्वी के बनने से भी पहले योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। उन्होंने उद्धारकर्ता के हाथों को ऊपर एक बड़े लकड़ी के टुकड़े से बांध दिया और उसे कोड़े लगाए। यह भविष्यवाणी पूरी करते हुए, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी। यीशु के पास उनको रोकने की सामर्थ्य थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा से उन्हें यह करने दिया। चमड़े के कोड़े में अक्सर फौलाद के टुकड़े और नुकीली हड्डियां लगी होती थी। सिर्फ पीठ पर कोड़े नहीं लगाए जाते थे, बल्कि नितंबों और पैरों पर भी। जैसे कोड़े में नुकीले कांटे और लोहा मांस को फाड़ देते थे, पेशियां कटकर खुल जाती थी। रक्त वाहिनियों को मारा जाता था जिससे लहू फूट निकलता था। कई तो सिर्फ ये मार पड़ने से ही मर जाते थे, परंतु वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति की ताड़ना उस पर थी। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। याद है आपको, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को पाप के कारण कांटों से शापित किया था, सिपाहियों ने एक जहरीले कांटों का ताज बनाया और उसके सिर पर निचोड़ दिया, जिससे बहुत पीड़ा, सूजन और लहू का बहना उत्पन्न हुआ। यीशु हमारे लिए पाप का बलिदान बनने वाला था। कांटों का ताज पाप की भयानकता को दर्शाता है। और उन्होंने उसके वस्त्र फाड़ दिए और उस पर एक बैंगनी रंग का चोला डाल दिया। उन्होंने इसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा डाल दिया, अपना घुटना उसके सामने झुकाया और उसका ठट्टा उड़ाते हुए कहा, जय हो यहूदियों का राजा। हर सिपाही ने यीशु को चेहरे में बिना दया के अपने घूंसों से मारा और उसे उसके सिर पर सरकंडे से टोका।
उन्होंने परमेश्वर के मेमने पर थूका, ये पवित्र शास्त्र पूरा करते हुए। मैंने अपना चेहरा शर्म और थूकने से नहीं छिपाया। वो तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ है, एक दुखों का मनुष्य और संताप से जाना पहचाना हुआ। यीशु को हाकिम पुंतियुस पिलातुस के पास लौटाया गया, जिसने अभिमान से कहा कि केवल उसी के पास यीशु को सूली पर चढ़ाने या छोड़ने का अधिकार था। लेकिन प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तेरे पास मेरे विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकता, छोड़, तुझे वो ऊपर से दिया जाए। यीशु ने पहले कहा था, मैं अपने प्राण देता हूं ताकि मैं उसे फिर से ले लूं। कोई मनुष्य मुझसे वो नहीं लेता है, परंतु मैं उसे स्वयं दे देता हूं। तब से पिलातुस ने यीशु को छुड़ाने का तरीका ढूंढा, परंतु यहूदियों ने कहा, अगर तू इस मनुष्य को जाने देता है तो कैसर का मित्र नहीं है। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है कैसर के विरुद्ध बोलता है। शैतान ने भीड़ के मनोभाव को यीशु के लिए पूरी नफरत के रूप में उकसाया। शैतान को विश्वास था कि स्थिति उसके पूरे नियंत्रण में थी, ऐसा न था। अनजाने में शैतान एक कठपुतली था जो परमेश्वर के हाथों में आता जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके काम बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। अंतिम बार पिलातुस ने कहा, देखो तुम्हारा राजा। प्रधान याजक ने कहा, हमारा कैसर के सिवाय कोई राजा नहीं है। शोर मचाती भीड़ चिल्लाती रही, उसे सूली पर चढ़ाओ, उसे सूली पर चढ़ाओ। जब पिलातुस ने देखा कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथों को धो लिया, ये कहते हुए, मैं इस सच्चे व्यक्ति के लहू के लिए निर्दोष हूं। फिर सब लोगों ने जवाब दिया और कहा, उसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर हो। परमेश्वर ने उनको उनके शब्दों पर ले लिया और वो तब से दुख उठा रहे हैं। फिर पिलातुस ने यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए दे दिया और वो इसे ले गए। उसका मांस धागों की तरह लटका हुआ, 45 किलो की सूली उठाने को कहा जाता है, लगभग 595 मीटर दूर मरने के स्थान तक। गुलगाथा। खुरदरी लकड़ी उसके उधड़ी हुई पीठ में घुस गई। अब तक वो निर्जलित तो हो ही चुका था। चमत्कार ये था कि वो अभी भी जीवित था। एक और भविष्यवाणी पूरी हुई, निश्चय ही उसने हमारे संतापों को सहा और हमारे दुखों को उठाया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और पीड़ित हुआ समझा। एक और भविष्यवाणी पूरी हुई, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी और मेरी गालें उनको जिन्होंने मेरे बाल उखाड़ दिए। मैंने अपना चेहरा शर्म और थूकने से नहीं छिपाया। परमेश्वर ने प्रेम और करुणा में स्वर्ग छोड़ा, अपनी सृष्टि के अपमान, झूठ और नफरत को सहने और उनके पापों के लिए मरने के लिए। स्वर्ग दूतों ने भय के साथ देखा। अब तक उसका चेहरा फटी कोशिका का ढेर बन गया था। वो कांटे जो इतने सूजन और दर्द भरे दूषण का कारण थे, बिल्कुल सूजे हुए मांस से ढक गए थे कि वो अब मनुष्य की तरह दिखता ही नहीं था। ये होने से सदियों पहले से ही भजन संहिता लिखने वाले ने प्रभु यीशु के बारे में ये शब्दों की भविष्यवाणी की थी,
क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, दुष्टों की मंडली ने मुझे घेरा हुआ है। उन्होंने मेरे हाथों को छेदा और मेरे पांवों को। यीशु ने खुद कहा, और मैं अगर मैं धरती से उठाया जाऊंगा, सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। इससे बड़ा प्रेम किसी मनुष्य के पास नहीं कि एक मनुष्य अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। और उसके साथ उन्होंने दो चोरों को सूली पर चढ़ाया, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर। और पवित्र शास्त्र की पूर्ति हुई जो कहता है, वो अपराधियों के संग गिना गया। सिपाहियों ने प्रभु के कपड़ों के लिए पंची डाली। नम्र यीशु को पूरी दुनिया को देखने के लिए कपड़े फाड़कर नंगा कर नीचा दिखाया गया। यीशु ने अपने अत्याचारियों की ओर देखा और प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। देखने वालों ने कहा, बचा अपने आप को और सूली से नीचे आ। उसी तरह प्रधान याजकों ने शास्त्रियों के साथ आपस में ठट्टा उड़ाते कहा, उसने दूसरों को बचाया, वो खुद को नहीं बचा सकता। मसीह इज़राइल का राजा सूली से अभी उतरे ताकि हम देख सकें और विश्वास कर सकें। सूली पर चढ़ाए जाने की भयानकता का चिकित्सक संबंधी वर्णन एक योग्य चिकित्सक ने किया, जिसने कहा, यह सबसे अत्यंत पीड़ा देने वाली मौत थी जिसका एक मनुष्य सामना कर सकता है। उसे सांस लेने के लिए अपने आप को सहारा देना पड़ा। भयंकर दर्द जो कीलों से कलाई की मध्य नस को लगने से होता है, उसके हाथों को तड़का देता है, उसके मस्तिष्क और उसके रीढ़ में। कील जो उसके पैर के घुटिका और पांव के अंगूठे के बीच के हड्डियों से जल कर जाती है, उसके शरीर को सीधा करती है। फिर उसके पांव की मांसपेशियां मुड़ती हैं और उसके शरीर को नीचे की ओर खींचती हैं, उसको सूली की तरफ पीटते हुए। हवा अंदर ली जाती है, लेकिन जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों और खून में गठन शरीर की मरोड़ों को दूर करने के लिए सांस को उकसाता नहीं, बाहर नहीं निकाली जा सकती। थकान, झटके, निर्जलीकरण और लकवा पीड़ित को नाश कर देते हैं। हृदय कठिनाई से गाढ़ा खून भेजता है, क्योंकि उसके करोड़ों कोशाणु एक एक करके मर रहे हैं। हमारे पापों ने यीशु को सूली पर भेजा। जैसे बहुत से लोग तुझ पर चकित हुए क्योंकि उसका चेहरा किसी भी मनुष्य से अधिक बिगड़ा हुआ था, और उसका रूप मनुष्यों के पुत्रों से भी अधिक। ये इतिहास को पलटने वाला क्षण था। इस दिन की तरह कोई दिन नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सूली पर जो यीशु ने उस भयानक दिन पर लहू बहाया, वो मनुष्य का लहू नहीं था, वो परमेश्वर का बेशकीमती लहू था। एकमात्र चीज जो हमारे पापों को धो सकती थी। यीशु ने ये सब आपके लिए क्यों सहा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आसमान काला हो गया
क्योंकि परमेश्वर पिता पाप पर नहीं देख सकता था। यीशु ने मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, जिसमें हर बुरे विचार और काम शामिल थे, और क्रूर सूली पर भयानक कीमत चुकाई। और यीशु चीखा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को ले जाता है। उसके मरने के ठीक पहले प्रभु चीखा, वो पूरा हुआ। हमें बचाने के लिए सारा काम पूरा हो चुका था। और फिर यीशु ऊंची आवाज में चीखा, उसने कहा, पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। और ऐसा कहने के बाद उसने अपनी आत्मा दे दी। सूली पर बलिदान फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा। ये निश्चित करने के लिए कि वो मर चुका था, एक सिपाही ने प्रभु की पसली पर एक भाला डाला और लहू और पानी निकल आया। और जब शतपति ने, जो उसके सामने खड़ा था, ये देखा कि उसने इस प्रकार चीख कर अपनी आत्मा दे दी, उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद देह को सूली से उतारा गया और मखमल के कपड़े में लपेटकर उधार लिए हुए कब्र में रखा गया। बड़ी अनिश्चितता ने यरूशलेम को जकड़ लिया। प्रभु यीशु मर चुका था। यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा दी थी और चेले अपनी जान बचाने के डर से छिपे हुए थे। सब कुछ आशाहीन लग रहा था। चेले अपने अविश्वास में भूल गए थे कि यीशु ने कहा था कि वो फिर जी उठेगा। तब वो हो गया, सारे समय की सभी घटनाओं से सबसे महान घटना। कब्र में 3 दिनों बाद परमेश्वर की महिमा फूट निकल आई और सूली पर चढ़ाया हुआ संसार को अनंत जीवन की आशा देते हुए फिर मरे हुओं में से जी उठा। प्रभु यीशु ने पाप, मृत्यु और नरक पर महान विजय में ऐलान किया, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं मैं। प्रभु कहता है, जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान, मैं वो हूं जो जीवित है और मर चुका था, और देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूं, आमीन। और नरक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास हैं। सवेरे सप्ताह के पहले दिन पर महिलाएं यीशु की देह का अभिषेक करने के लिए मसाला लाई। उनका एक स्वर्गदूत ने सत्कार किया, जिसने कहा, तुम सब मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम सब यीशु जो सूली पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, वो अपने वचनानुसार जीवित है। जल्दी जाओ और उसके चेलों से कहो। शैतान का राज्य टुकड़ों में बिखर गया था। अपने पागलपन में शैतान हार चुका था। एक पुनर्जीवित मसीह का मतलब था शैतान के दिनों की गिनती शुरू हो चुकी थी। शैतान ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति को कम समझा। अगर उसे यह पता होता, वो कभी प्रभु को सूली पर नहीं चढ़ाता। पुनर्जीवित यीशु 500 गवाहों द्वारा देखा गया। उसके चेले बहुत आनंदित हुए। प्रभु ने उनको यह सीधी आज्ञा दी, जाओ तुम सब पूरे संसार में और हर प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करो। अब ध्यान से देखें। और अरबों पर अरबों को देखें जो अपने